हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे गेमिंग चैनल पे क्रिशर वाईटी पे और मैं कृष्णा। तो दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आप लोग को कैसे आप लोग एमएसआई प्लेयर हो गए हो या फिर ब्लूस्टैक हो गए हो वहाँ पे 90FPS पे कैसे खेल सकते हो उसके बारे में मैं इस वीडियो पे बताऊंगा। तो ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को बोला था कि भाई 90FPS पे खेल सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत से रिसर्च किया, उसके बाद मैंने जो है आप लोग के लिए ये वीडियो लाया। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आप लोगों का हेल्प होता है तो मेरे वीडियो से तो बिल्कुल जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ जो बेल आइकन होता है ना उसको भी दबा दो। सो दोस्तों, पहले तो आप लोगों को क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो फर्स्टली आप लोगों को जो डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आप लोग MSI इमुलेटर प्लेयर इमुलेटर करके सर्च करना, जो भी तो यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग को जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना है, एंड उसके बाद जो है आप लोग को यहाँ से जो है डाउनलोड का बटन देख रहे हैं उसको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो मैंने जिस आप लोगों को दिखाया कैसे डाउनलोड करना है ऐसे कर लेना। तो उसके बाद यहाँ पे जाना है आप लोगों को, यहाँ पे देख रहा होगा तो BSTweaker करके रहेगा, तो उसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि 90FPS करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको कर लेना। एंड अगर आप लोग ब्लूस्टैक पे करना चाहते तो यहाँ से ब्लूस्टैक क्लिक करना है, एंड यहाँ पे जो भी आप लोगों को वर्जन चाहिए सो उस वर्जन पे आप लोग कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने सब कुछ आप लोगों को दिखा दिया है, तो कहाँ से कैसे करना है वो सभी कर लेना। तो अभी जो स्टेप्स है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, दिखा देता हूँ क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो आप लोग को सेटिंग्स पे जाना है आप लोगों का, तो यहाँ पे जो आप लोग का रेजोल्यूशन है वो आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने 1920 का सिलेक्ट कर लिया है, तो आप लोग का जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इंजल पे ओपन इंजल करना है, तो उसके बाद तो जो दिख रहे हो वो सभी ऐसे तरीके से कर लेना है। तो यहाँ पे देखो सब कुछ ऐसे तरीके से रखना है जो डिफॉल्ट है वो सब। तो अभी FPS कर जो 90FPS करने के लिए क्या करना होगा वो मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो मेरे जो लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे 60FPS ही दिखा रहा है, तो इसको आगे कैसे बढ़ाना है तो वही कर अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने जो BSTweaker का डाउनलोड किया है, इसको आप लोगों को ओपन कर लेना है दोस्तों। सो ओपन करते हैं, चलो। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद जो पहले जाना है आप लोगों को सेटिंग्स पे, तो सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर डिवाइस जो मॉडल दिख रहा है इसको आसूस ROG पे फोन पे सिलेक्ट करना है, एंड जो आप लोग ये करते हो इंडिया कंट्री इंडिया कर लेना है। तो उसके बाद आप लोग को क्या करना है दोस्तों, अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे अप्लाई करने से ये जो है अभी बंद हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ओके और सॉरी ये मैंने गलत कर दिया भाई, इसको जो है आप लोग को पहले ये करना चाहिए। यहाँ पर ब्लूस्टैक का लिखा आ रहा होगा यहाँ पर नीचे, देखो एकदम नीचे। सो इसको क्या करना है दोस्तों, इसको जो आप लोग को ब्लूस्टैक MSI पे करना है। तो अभी देखो दोस्तों, ब्लूस्टैक MSI ओपन हो गया है, तो अभी आप लोगों का काम करेगा। सॉरी वो मैं पहले देखा नहीं था इसलिए, तो इसको आप लोगों को अप्लाई कर देना है। तो मैं दोनों इमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने ब्लूस्टैक पे भी किया है, ब्लूस्टैक जो MSI प्लेयर पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को सेम टू सेम है भाई, आप लोगों को वैसे ही करना है। तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप लोग को जाना है रूट पे। तो रूट पे जा पहले ये क्या करना है आप लोगों को, सॉरी पहले आप लोगों को जाना है इधर पे, तो किल फोर्स ब्लूस्टैक पे क्लिक कर देना है ताकि ब्लूस्टैक जो है पूरा बंद हो जाए। तो यहाँ से भी आप लोगों को इसको एग्जिट कर देना है। तो उसके बाद जाना है आप लोगों को रूट ऑप्शन पे, तो यहाँ पे अनलॉक करना है, तो थोड़ा समय लगेगा। तो नीचे देखो रेडी होने में थोड़ा टाइम लगा है, तो ये 100 होने की बात हो जाएगा। ओके डन। तो दोस्तों हमारा हो गया है, तो यहाँ पे आप लोग को जाना है फिर से, तो स्टार्ट ब्लूस्टैक पे क्लिक करना है। दोस्तों जो प्रोसेस मैंने दिखाया है आप लोगों को ऐसे ही करना है, तो हो जाएगा भाई लोग, तो कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिंपल सी है। तो ऐसे तरीके से आप लोगों को करना है। चलो ओपन हो गया मेरा। उसके बाद आप लोग को जाना है यहाँ पे जो रूट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर जाना है, तो पैच जो लिखा आ रहा है उस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों पैच हो गया है, उसके बाद इंस्टॉल सुपर एश्यू इसको कर लेना है। तो दोस्तों देखो आ गया है मेरा ये वाला, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, इसको ओपन करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद जो ये करना है एक्सपर्ट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है, नॉर्मल पे देना है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा फिर से। तो अभी भी 60FPS दिखा रहा है, तो इसको जो मैंने प्रोसेस आप लोगों को दिखाया है आप लोग स्टेप बाय स्टेप करना जो मैंने दिखाया, तभी जाके काम करेगा अच्छे से।
ओके दोस्तों मेरा हो गया है, तो ये देखो आप लोग। तो उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, ओके पे क्लिक करना है, तो नो थैंक्स इस पर क्लिक कर देना है, नो थैंक्स पे। तो उसके बाद कुछ नहीं करना है दोस्तों। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को डायरेक्टली ये ओपन करना पड़ेगा फ्री फायर अभी, तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो फ्री फायर को मैंने कर दिया है ओपन। तो आप लोग देख रहे हो अभी भी जो FPS है वो ज़्यादा नहीं दिखा रहा है, 60 के ऊपर ज़्यादा नहीं दिखा रहा है। तो क्या करना होगा, आप लोगों को जाना है आप लोगों को सेटिंग्स पे। उसके बाद जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, जो इंजन पे जाना है, इंजन पे जाने के बाद नीचे जो है सबसे नीचे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लिखा होगा हाई, ये इनेबल कर देना है, इनेबल हाई फ्रेम रेट। तो इसको जो है आप लोगों को 240 पे कर देना है। तो इसको भी ऐसे तरीके से डिस्प्ले भी लाना है। तो दोस्तों हो गया, देखो अभी जो है मेरा 90 FPS हो गया है। तो प्रूफ के साथ मैंने आप लोग को दिखाया है, एंड मेरा लॉकआउट पे भी आप लोग देख सकते हो जो FPS है वो 90 हो गया है। तो दोस्तों 90 FPS का सेटिंग्स मैंने आप लोग को दिखा दिया है, कैसे करना है क्या करना है। तो अभी जो अपडेट आया है कलाहारी का पैच अपडेट, तो उस पे क्या कैसा सेंसिटिविटी सेटिंग्स करना है मैं आप लोग को इस वीडियो पे दिखाऊंगा। फिलहाल मैं भी ज़्यादा खेला नहीं हूँ अपडेट के बाद, फिर भी मैंने ये सेटिंग्स किया है एंड मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। आप लोग मेरा गेम प्ले देखोगे तो पता चलेगा। तो क्या करना होगा, तो सभी मैं आप लोग को इस अभी दिखाता हूँ दोस्तों। तो सेटिंग्स पे जाना है आप लोगों को, कंट्रोल पे कस्टम HUD, तो सही से नहीं किया है बट फिर भी बहुत ही अच्छा हुआ है, एंड अच्छे से करेंगे तो और भी अच्छा होगा। तो क्या करना होगा, यहाँ पे देखो मेरा कस्टम HUD मैंने कैसे रखा है। तो दोस्तों इसको जो है आप लोग को 10 पे करना है, 10 पे करने के बाद इसको जो है ऐसे तरीके से लेके आना है कोने में, एंड उसके बाद जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सभी, इसको जो है आप लोग को रखना है 20 पे। तो सब कुछ जो है 20 पे कर देना, एंड जो फायरिंग का बटन आप लोग देख रहे हो ये, इसको जो मैंने रखा है इसको मिला के आप लोग को भी रख देना है। ऐसे तरीके से रखने से ही आप लोग का अच्छे से हेडशॉट लगेगा, काम करेगा, तो इसको आप लोगों को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो स्प्लिट का बटन सब कुछ मैंने ऐसे रखा है। तो अभी जो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, तो इसका की में विंग दिखा देते हैं, चलो क्या रखना क्या रखा है मैंने सब कुछ। सो यहाँ पे देखो इसको मैंने, इसको भी WASD को जो है इसको भी मैंने कोने में रख दिया है मेरी लेफ्ट साइड पे, आप लोग देख सकते हो। जो मेन चीज है ये है दोस्तों, पैन सेटिंग्स क्या करना है देखो। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये एक्शन पोजीशन XY का जो है मैंने इतना रखा है, आप लोग भी देख लो दोस्तों कितना रखना है इस पे पोजीशन। इसको ऐसे तरीके से रख देना है ताकि इससे मिल सके वो फायरिंग बटन से आप लोग का मिल सके। तो यहाँ पे वाई रेशियो सेंसिटिविटी जो है आप लोग को 7 रखना है, 10 रखना है, एंड इसको जो है 2 पे करना है। मेरे लिए 2 ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को 2 से प्रॉब्लम होता है तो आप लोग 3 भी कर सकते हो या फिर 4 भी कर सकते हो। मेरे लिए मतलब मुझे लगता है कि 4 तक ही ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने अपडेट के बाद देखा है तो मैंने इसलिए मैंने इसको 2 पे रखा है, एंड 2 पे खेल रहा हूँ अभी, मेरे लिए ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग ज़्यादा बढ़ा के खेलते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट आप लोग को सेंसिटिविटी में थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को दिखा दिया कसम HUD पे कैसे करना है क्या करना है, सिंपल सा है दोस्तों। करने के बाद आप लोग, अभी मैं आप लोग को गेम प्ले दिखाऊंगा तो वो देखना। तो मैंने आप लोग को सेंसिटिविटी शायद दिखाया नहीं है तो दिखा देता हूँ, चलो। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने जनरल जो है 34 रखा है, मेरे जो है 34 ठीक है अपडेट की बात। पहले मैंने 25 पे देखे खेल के मतलब खेला था, तो अभी मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया है 34 कर दिया, एंड मैं 41 पे भी खेलता हूँ, तो उसके बाद 60 भी कर सकते हो आप लोग, 61 भी, तो इतना तक ही मैं रखता हूँ। तो आप लोग की मर्जी है, आप लोग ज़्यादा रख सकते हो कम भी रख सकते हो, लेकिन मैं जितना समझता हूँ मैं कहता हूँ कि जो आप लोग का अगर हाई ग्राफिक्स कार्ड होता है तो सेंसिटिविटी को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, कम करना चाहिए। तो रेजोल्यूशन जैसे कि मैंने मेरे सेटिंग्स का रेजोल्यूशन दिखा है उस हिसाब से आप लोग का जनरल भी रखना चाहिए। तो अगर आप लोग जो 1600 जो 900 करते हो तो थोड़ा बढ़ा सकते हो, ऐसे तरीके से कर लेना है। तो सेटिंग्स मैंने दिखा दिया है, सब कुछ मैंने आप लोग को दिखा दिया है। तो अभी थोड़ा सा छोटा सा एक गेम प्ले आप लोग देखना, एंड उसके बाद अगर आप लोगों को सेटिंग्स सब कुछ करने के बाद 90 FPS का सेटिंग्स भी कैसे करना है ये सभी भी बता दिया है। तो ये सभी होने के बाद अगर आप लोग का हेल्प होता है, तो ये सभी करने के बाद आप लोग का हेल्प होता है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर देना, और जो भी चैनल पे नए हैं हो सके तो भाई लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं भी आप लोग का हेल्प करता हूँ, तो आप लोग भी मेरा थोड़ा सा हेल्प कर दो ताकि मेरे को भी अच्छा लगे, एंड मैं भी और भी आगे बढ़ सकूँ, एंड आप लोग के लिए और भी अच्छा वीडियोस ला सकूँ। तो दोस्तों अभी आप लोग गेम प्ले को देखो एंड इन्जॉय करो।
kill. Triple kill. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone.